समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने एक्टर राजनेता रवि किशन के सोमवार को संसद में दिए बयान पर निशाना साधा है। बॉलीवुड की छवि खराब करने का आरोप जया बच्चन ने रवि किशन पर लगाया है। जया बच्चन ने कहा कि सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। इससे पहले कल गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था कि ड्रग्स की लत का शिकार बॉलीवुड भी है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स की चर्चा तेज हो गई है। रवि किशन के बयान पर हमला बोलते हुए जया बच्चन ने कहा कि जब भी देश में कोई समस्या सामने आती है, सबसे अधिक बॉलीवुड के लोग ही मदद के लिए खड़े होते हैं। जया बच्चन ने भावुक होकर ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, इस इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अदाकार ने इंडस्ट्री के खिलाफ बोला है, ये काफी निंदनीय है। वहीं जया बच्चन ने रवि किशन का बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जया ने कहा चंद लोगों के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे की गूंज सोमवार को संसद में भी सुनाई दी। दरअसल सोमवार को संसद में मॉनसून सत्र के पहले ही दिन बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स के सेवन का मामला उठाया था और इस मामले की जांच कराने की मांग भी की थी। इतना ही नहीं, रवि किशन ने ये भी कहा कि ड्रग्स की तस्करी और युवाओं द्वारा इसका सेवन करना हमारे देश के सामने नई चुनौती बनकर आया है। युवाओं को भटकाने के लिए चीन और पाकिस्तान साजिश के तहत पंजाब और नेपाल के जरिए ड्रग्स देश में फैलाते हैं। सांसद रवि किशन ने कहा कि ड्रग्स की लत का शिकार बॉलीवुड भी है। एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सजा दी जाए। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस मामले की जाँच चल रही है। इसमें ड्रग्स से लेकर कई तरह के दूसरे मामले आ रहे हैं और बॉलीवुड के कई स्टार्स निशाने पर आ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।